आज बिना आंधी तूफान के बारिश आ गई भाई। ज्यादा बोले बले ना, तो आजकल दीदी बहुत ज्यादा कमजोर हो रखी है, मैं बहुत ही ज्यादा पूरा खून तो नितरी हो। मैंने तो सोचा था काफी टाइम बाद आज वीडियो कॉल पे बात कर रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माँ कुष्मंडा, जय माँ धारी। कैसे हैं आप सभी? ऐसा उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है आरती रावत, मेरा गांव है रुद्रप्रयाग जिले के खूबसूरत गांव पाली सिमली से। तो अभी आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है पहाड़ की इन हसीन वादियों से। तो अभी अगर आज के मौसम की बात की जाए ना, तो आज का मौसम भी फिर बिल्कुल बारिश आने की संभावना हो चुकी है और कहीं पे भी धूप दिखाई नहीं दे रही है। और कल से ऐसा ही मौसम चल रहा है और इस समय तो हल्की हल्की बूंदाबांदी बारिश की होने बैठ गई है और बहुत ज़्यादा ठंड भी बढ़ गई है फिर से। एक बार तो बहुत ज़्यादा गर्मी होने बैठ गई थी और आज कल ना ठंड हो गई है वे दो दिन। तो अभी है बारिश आने की संभावना और मैं चलती हूँ फटाफट से एक बार खेत में, क्योंकि ना वहाँ पे मतलब जो वो था, मैंने बाणे कमोनी करके जो खरपतवार रखा था उसको मैं थोड़ा वो कर लेती हूँ, क्या जला लेती हूँ। और उस जैसे कि काफ़ी बहनें मुझे अभी भी कमेंट करती हैं कि आपका बेटा कैसा है, तो मैं बता दूं आपको थोड़ा बहुत ठीक है लेकिन अभी है हॉस्पिटल ही में, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अभी मैंने ना इस खरपतवार पे भी यहाँ पे जला ली है आग, जिसके लिए मैं यहाँ पे आई थी। और बारिश के कारण ना गीला गीला हो जाएगा ये, तो तब नहीं जलेगा। तो अभी थोड़ा बहुत सूखा है और हल्का हल्का भीग भी रखा है क्योंकि हल्की हल्की बारिश की बूंदाबांदी हुई है। और तो अभी अपना काम निपटा लिया है टाइम पे, क्योंकि टाइम का बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पे अभी कोई है भी नहीं, वह दीदी लोग आज कोई नहीं दिखाई दे रहे हैं और बारिश भी आ रही है, तो बारिश के चक्कर में कहीं मेरा फोन भी ना भीग जाए। तब आज बिना आंधी तूफान के बारिश आ गई भाई। किस किस के यहाँ आज बारिश हो रही है। और आज ना मैं थोड़ा लकड़ी भी लाई हूँ, पर आग कहाँ जलाए, बाघ है, बाहर आग जगाएंगे तो बाघ हमको धमका देगा। हाय, तो फाइनली पहुंच गई हूँ रोड पे और रोड से थोड़ा ही दूर पे है हमारा घर, रोड से ज़्यादा पैदल नहीं है। तो चलते हैं घर में, मैं पहुंच गई हूँ घर में। अंदर है आयुष पीयूष, उनका चल रहे हैं पेपर, तो वो कर रहे होंगे पढ़ाई। और दीदी जी यहाँ खेत में छेंच, तो दीदी जी यहाँ पे निकाल रही हैं सब्जी, है ना सब्जी कुछ नहीं, हाँ थोड़ा सा आड़ा फूकिन। दीदी जी ना यहाँ से निकाल रही हैं सब्जी, तो सब्जी सारे राय पे तो फूल आ गए हैं और मूली के पत्ते ही हैं अभी, और मूली पे भी कहीं कहीं ना बीज भी आ गए, कहीं पे आ रखे हैं फूल। और आलू लगाए थे तो आलू तो बंदर ने उपाड़ दिए भाई, ये फूल लगा यहाँ से सब उपाड़े दो तीन बार, कुछ कुछ हाँ कुछ कुछ दाम है आजकल। तो आजकल दीदी बहुत ज़्यादा कमजोर हो रखी है, मैं बहुत ही ज़्यादा इतनी चिंता हो रखी है दीदी को के। और अभी मैं घर पे पहुँच गई हूँ और तो अभी यहाँ पे दीदी जी भी पी रहे हैं चाय और मैं ना पानी पी रही हूँ। मैं गोला बड़ा हूँ मेरे, इस साल पता नहीं क्या हो गया, ज्यादा बुले बले ना, उसकी इज्जत पता नादा नहीं बुरा ठीक। चल ठीक हुई, चल आप ना करते थे चिंता। पूरा खून तो नितरी हो,
आज काफी लंबे समय के बाद ना फिर से बेटे से वीडियो कॉल पे बात हुई। मैंने तो सोचा था काफी टाइम बाद आज वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं तो ठीक होगा। वो खुद से कॉल करने के लिए मैंने उसको बोला कि वीडियो कॉल कर, और पर नहीं, वहाँ तो कुछ और ही, मतलब दिमाग ख़राब। अभी इतना टाइम भी हो गया है तब से, मैं तो सोच रही थी मैं आप लोगों को कब बताऊं कि वो बिल्कुल सही हो गया है और अपने पैरों पे चलने बैठ गया है। अभी थोड़ा थोड़ा चल रहा है। तो अभी हम लोगों का खाना वाना हो गया है और बच्चों के तो आजकल पेपर चल रहे हैं और उनका मन भी पढ़ाई पे बिल्कुल नहीं लग रहा है भाई आजकल, क्योंकि उनको भी भाई की चिंता सता रही है। और आज उन दोनों ने ना अपने भाई को भी वीडियो कॉल पे देखा और भाई ने बोला पीयूष को भी दिखाओ, आयुष को भी दिखाओ। तो भाइयों को देखकर ना उसको भी अजीब जैसा हुआ और दीदी भी सीधा रोने बैठ गई थी। और जिस समय से उन्होंने उससे वीडियो कॉल पे बात की तो मतलब अजीब जैसा लग रहा उनको भी कि भाई पे इतनी ज़्यादा चोटें लगी हुई थी, हमें तो पता भी नहीं था। आयुष भी उसने तो आज ही देखा ना चोट लगने के बाद। तो आप लोग फिर से ज़रूर दुआ करना। मैं तो सोच रही थी कि पता नहीं बहुत जल्दी अब ठीक हो जाएगा, कुछ दिनों की बात होगी, लेकिन अभी तो बहुत ज़्यादा टाइम है। ये धारे माँ भगवती अपना आशीर्वाद ऐसा बनाना कि बस जल्दी से आ जाए वो घर। अभी उसकी हालत इतनी ख़राब हो रखी है, बिल्कुल पतला, हाथ पैर कमज़ोर हो रखे हैं, खड़ा उठ रहा है तो चक्कर जा रहे हैं उसको। और सच में फिर से ना एक बार तो हम ऐसे हो गए थे सारे, मतलब जैसे वो बात कर रहा था हमारे साथ तो हमको एक खुशी जैसी हो रही थी कि हाँ ठीक ठाक बात कर रहा था ऑडियो कॉल पर जब वीडियो कॉल में हालत देखी तो हालत में कमी सुधार दिखा हमको। पर जिस हिसाब से बोल रहा है कि इससे पहले तो बहुत ज़्यादा ख़राब थी हालत, अब तो ठीक हूँ मैं, मतलब बात तो अच्छी कर रहा है वो, लेकिन अभी तो उस पर बहुत टाइम लगेगा ठीक होने पे। तो आप सभी लोग भी जिस तरह आप लोगों ने अपना आशीर्वाद बनाया, जिस तरह आपने उसके लिए आज तक दुआ मांगी, प्लीज़ अभी भी उसी तरह मांगना। बाकी तो सब माता रानी के हाथ पे है, सब लोगों का आशीर्वाद बना रही।